बलराम भाई नमस्ते। निसरपुर से मैं गणेश पाटीदार। नमस्ते गणेश भाई। गणेश भाई के पौधों में क्या समस्या है? सफ़ेद ही सफ़ेद, क्लोराइड ही क्लोराइड दिख रहा है। पानी देने की गड़बड़ी दिख रही है। यहाँ तक पानी है, बाकी ढेपे सारे गर्म हो रहे हैं। बहुत बढ़िया गणेश भाई, मेजर समस्या। पौधे के आसपास केवल पानी है, थोड़ी सी जगह में, बाकी पूरी मिट्टी सूखी ड्राई। जस्ट पौधे से 9 इंच दूर पर भी मिट्टी सूखी ड्राई। अरे बाप रे, पौधे से जस्ट 3 इंच पर सूखी ड्राई मिट्टी। ये फर्टिगेशन वाटर मैनेजमेंट का तरीका गड़बड़ है। ये जो हो रहा है, यह शरद गर्मी हो रही है। अपनी ग्रामीण क्षेत्रीय भाषा में जो जितना आपने पानी दिया है, वह पानी नीचे की कुछ पौधे अच्छे हैं, ये भी अगर ऐसी कंडीशन चली, ये बढ़िया पौधा है, तो 28/3/2020 का है ये, और ये है 31/3/2020 का। ये अभी पौधे के तने से केवल आधा इंच दूर तक पानी जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में सूखी मिट्टी, सूखे ढेपे। आपका ड्रिपर जहाँ है, केवल उतना पानी गिर रहा है। ड्रिपर के बाद, ड्रिपर से 4 इंच दूर तक पानी कुछ मिल नहीं रहा है, जहाँ मैं व्हाइट डॉट दे रहा हूँ। मित्रों, अभी 31 मार्च है आज, और गर्मी चालू हो गई है, बड़वानी में धूप चालू हो गई है। जैसे ही ये मिट्टी के ढेलों पर धूप लगती है, गर्म होते हैं, नीचे ऑलरेडी गर्म मिट्टी है, वहाँ से भाप जनरेट होकर के ऊपर आती है। यह पौधों के पत्तों पर टॉक्सिसिटी जैसा, भाप का जो सिम्टम है, उससे पत्तों में करपे जैसा प्रोग्राम बन रहा है। अभी अंदर का पत्ता एकदम क्लीन मिलेगा, लेकिन जैसे ही नीचे पानी देने के बाद नीचे से जो गर्म हवा की भाप आ रही है, वो आपकी फील्ड को बहुत गड़बड़ करेगी। ये देखो, केवल ड्रिपर के आसपास पानी है। पौधों को पूरा मॉइस्चर चाहिए। एक ड्रिपर से दूसरा ड्रिपर भी भीगा हुआ नहीं है आपका, अगला ड्रिपर यहाँ पर सूखा है। मित्रों, आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, पपीता किसान या केला किसान, दोनों को लगाने पानी देने की एक ही विधि है, समझ लीजिए अच्छे तरीके से, ध्यान से, ताकि आप आगे जो किसान मित्र पपाया या केला लगाएंगे अप्रैल में, मई में, वह इस परेशानी से पौधों को मारेंगे नहीं। और ब्रदर, आपको भी क्या करना है, पानी को एक बार बढ़ाना है, फिर बंद करना है। प्लांटेशन का तरीका ही गलत है। आपने पहले पूरी मिट्टी को भिगोना था। ये थोड़े से पौधे डंप होंगे इस वजह से। क्या करना चाहिए प्लांटेशन करते समय, अगर हमें 7 तारीख को पौधा लगाना है, तो 1 तारीख को फुल इरिगेशन करना है 3-4-5 घंटे, 2 तारीख को पानी बंद करना है, 3 तारीख को फुल इरिगेशन करना है 3-4-5 घंटे, 4 तारीख को पानी बंद करना है, 5 तारीख को फुल इरिगेशन करना है, 6 तारीख को पानी बंद करना है, 7 तारीख को पौधा लगाना है। अगर आपको केला लगाना है तो भी ऐसे ही करना है, एक दिन पानी चालू, एक दिन बंद। पपीता लगाना है तो भी ऐसे ही करना है। इससे क्या होता है, नीचे की गर्माहट पूरी रिलीज हो जाती है, निकल जाती है। ये नीचे से गर्म भाप आ रही है, उसकी वजह से आपके प्लांट खराब हो रहे हैं और आगे होंगे खराब। ये पौधा अच्छा है, लेकिन ये पत्ता गया। अभी जैसे जो बड़े बड़े पत्ते निकलेंगे बाहर, ये इधर पूरा सूखा है, ड्राई है। ये पूरे पत्ते आपके जाने वाले हैं, पौधे भी डंप होंगे इसमें। इस विधि से जो मैंने बताया पानी देने का, ये तरीका। दूसरा, लगाते समय कीचड़ बनाकर उसमें सुक्रोज, फफूंदी नाशक, और कीड़ा अगर आपके खेत में है तो क्लोरोसाइपर या डेंटाशू 20 ग्राम 200 लीटर पानी में डालकर कीचड़ बना के लगाना चाहिए। तो ये तकलीफें आएगी ही नहीं। ये अभी आपको जो तकलीफ आ रही है, आज का ही आपका फ़ोटो है, 31/3/2020 का आपने ये फ़ोटो मुझे भेजा है, लेकिन पहले पौधे आपके अच्छे थे। ये 10 दिन, 28/3/2020 का पौधा है ये, 10 दिन हो गया है प्लांटेशन किए हुए, इसकी कंडीशन अच्छी है। लेकिन मित्रों, मेरा ये कहना है, पानी इतना कम कैसा देंगे और कैसे उत्पादन लेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। ड्रिपर के पास केवल पौधा लगा है, बाकी सारी ज़मीन सूखी ड्राई है। मित्र, सामने गर्मी आएगी, पूरी फील्ड ख़त्म हो जाएगी, डंपिंग आएगा। आपको क्या करना है गणेश भाई, पूरे खेत में 5-10 घंटे पानी चलाना है, फुल इरिगेशन करना है, फिर 2 दिन पानी बंद करना है। ये जो आसपास के पौधे के पास भी गीला नहीं हुआ है, ऊपर के ढेपे, नीचे आपको पानी मिल रहा होगा, लेकिन पानी फैला हुआ नहीं है। आगे अप्रैल और मई में दिक्कत ना आए, उसके लिए क्या करना है, 5-10 घंटे पानी चलाओ, पूरा फुल इरिगेशन करो, फिर 2 दिन पानी बंद करो, फिर 5-10 घंटे पानी चलाओ, फुल इरिगेशन करो।
इस प्रक्रिया में कुछ पौधे जाने वाले जो हैं वो चले जाएंगे। गैप फिलिंग की तैयारी कर लो, अलग से थैलियाँ भर कर रख दो खेत में ही, पेड़ के नीचे जहाँ पर दोपहर बाद की छाँव हो, जो गैप फिलिंग हो उसके साइड में लगा देना पौधा। एक इसमें और ड्रेंचिंग करना है आपको फील्ड का, और जहाँ से पौधा आया है वहाँ का जो मीडिया होता है वो सेट नहीं होता है, तो एक तरह का फंगल डेवलप करता है। उसके लिए ब्लीचिंग पाउडर चाहिए। 200 लीटर पानी में 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर, 400 ग्राम ब्लू कापर और 6 पाउच स्ट्रेप्टोमाइसिन की, जो छोटे छोटे 6-6 ग्राम की आती है, उसको डायरेक्ट नहीं डालना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को 200 ml कुनकुना पानी, नहाने जैसा पानी, उसमें एक पाउच 6 ग्राम की स्ट्रेप्टोमाइसिन की घोलना है। कुनकुने पानी में ही केवल स्ट्रेप्टोमाइसिन घुलता है, अदर में घुलता नहीं, ठंडे पानी में घुलेगा नहीं। 6 पाउच को 6 गिलास पानी लो, कुनकुना उसमें घोल लो, फिर 200 लीटर में डालो, 400 ग्राम ब्लू कापर, 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर, इनका घोल बनाओ अच्छे से और पौधे के आसपास रिंग बनाकर डालो। ज़्यादा तने पर जाए ना, तने पर लगेगा तो कोई नुकसान नहीं, पत्तों पर मत गिरने देना। यहाँ पर आपको डालना है ताकि जो गड़बड़ हो रही होगी पानी की, फंगल जो आ रही होगी पानी की, वो क्लीन हो जाएगी। और फिर फुल इरिगेशन करना है, फिर 2 दिन पानी बंद रखना है, फिर तीसरे दिन जब फुल इरिगेशन करो फिर दूसरी ड्रेंचिंग करना है। दूसरी ड्रेंचिंग में क्या लेना है, 200 लीटर पानी, 2 किलो 19-19-19, 200 ग्राम सुक्रोज, 25 ग्राम पोटेशियम फुलवेट और 100 ग्राम पोटेशियम हुमेट। 200 लीटर पानी में घोल बनाना है, पौधे के आसपास रिंग बना करके डालना है, तने पर मत देना, इसमें 19-19 से ये पौधे की जान ले सकता है, पत्तों पर जाने मत देना। पौधे से 3-4 इंच दूर रिंग बनाकर ड्रेंच करना है ताकि पौधे को फटाक से भोजन मिल जाए। उसके बाद में फिर फुल इरिगेशन करना है, फिर 3-4 दिन के लिए पानी बंद करना है, फिर आपको रेगुलर आपका जैसा पानी दे रहे हो वैसे पानी देना है। तो वैसे कैसे, 1 दिन छोड़कर 1 घंटा पानी दो पपीता में, जिस हिसाब से आपकी मिट्टी दिख रही है, जिस हिसाब से आपका ड्रिप दिख रहा है, ये जेन का ड्रिप है और 4 लीटर डिस्चार्ज होगा इसका, तो 1 घंटा पानी दो 1 दिन छोड़ करके, पहले ये फुल इरिगेशन कर लो। उसके बाद अगले 15-30 दिन के शेड्यूल में आप अगर ड्रेंचिंगें करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा, पूरे अप्रैल में ये फट बढ़ेगा। ड्रेंचिंग क्या करना है, 100 लीटर पानी, 10 किलो DAP, 5 किलो यूरिया, 5 किलो पोटास, 1 एकड़ के लिए बतला रहा हूँ, 2 लीटर फास्फोरिक एसिड, इसका घोल बनाओ, 100 घुल जाएगा। घुलने के बाद में जब आप ड्रेंचिंग करोगे उस समय 50 ग्राम सुक्रोज, 50 ग्राम पोटेशियम हुमेट और 10 ग्राम पोटेशियम फुलवेट डालने से पहले पौधे से दूर जहाँ पर आपका ड्रिप का मॉइस्चर आ रहा हो, ड्रिपर आ रहा हो, उस जगह 200 ml, 100 से 200 ml के बीच में पर प्लांट को ड्रेंचिंग करो, तने पर नहीं, नहीं तो तना जल जाएगा, ड्रिपर के ठीक नीचे। इसके अलावा कोई फर्टिगेशन अप्रैल में देने की आवश्यकता नहीं है। इतना करो, फिर फीडबैक दो, फिर अपन आगे बात करते हैं क्या होगा। जिन मित्रों को पपाया की गाइडलाइन लेना है, 100 गाइडलाइन लेना है, किसान पाठशाला से जुड़ के काम करना है, इस वीडियो को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और पपीता किसान तक पहुँचाओ। सामने गर्मी आ रही है, ये गड़बड़े होगी ही, हर किसान से हो जाती है गलती, उसे लगता है पानी आज की रात में चला दिया और ठीक हो गया। मैं बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर भी गणेश भाई आपको PDF भेज रहा हूँ। आपको साल भर तक गाइडलाइन लेना हो तो 1 रुपये प्रति पौधे का हमारा गाइडलाइन चार्जेस है। साल भर तक आपको पपीता में हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे, हाथ पकड़ कर चलाएंगे, कैसे कब क्या करना है। हर 15 दिन का आपको 1 मिनट का वीडियो बना के खेत का भेजना पड़ेगा कि क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है। जिन मित्रों को भी गाइडलाइन लेना हो, बी किसान का ऑफिशियल नंबर है 9424538222, 9424538222. मैं बलराम किसान। मित्रों, मैंने ठान लिया है हर किसान को सक्सेस करना है। अभी मैं केले और पपीता में गाइडलाइन दे रहा हूँ। जिन भी केले और पपीता के किसानों को मुझसे जुड़ना हो, YouTube पर जाएं, किसान पाठशाला को सब्सक्राइब करें और इस तरह के फ्री में गाइडलाइन के वीडियो आप डेली ले सकते हैं आपके फ़ोन पर घर बैठे ही, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इसी से हम किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा करेंगे। थैंक यू गणेश भाई राय लेने के लिए।